जिंदाबाद। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड फोरम के संयुक्त फोरम के आह्वान पर सोमवार और मंगलवार को पूरे देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल प्रारंभ हो गया है। बैंक कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर रामगढ़ जिला में भी पड़ रहा है। रामगढ़ अंतर्गत सभी 28 राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। बैंक के हड़ताली कर्मचारी बैनर पोस्टर के साथ शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का जुलूस मेन रोड स्थित स्टेट बैंक परिसर से निकलकर विभिन्न मार्गों पर भ्रमण किया। आंदोलन पर उतरे बैंक कर्मचारियों का कहना था कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में बैंक चले जाने का सीधा मतलब है कि आम आदमी की पहुंच से बैंक उसी तरह दूर हो जाएगा जैसे कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व की स्थिति में थी। कर्मियों की हड़ताल का जिला भर में असर देखा जा रहा है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से कारोबार को क्षति, व्यवसायियों को खासा परेशानी, वहीं गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों का काम भी बैंक के माध्यम से नहीं हो पाया। ये जो है बैंक को प्राइवेट करने के अगेंस्ट में ये हड़ताल चल रही है। ये दो दिन का है, आज और कल, क्योंकि ये राष्ट्रीयकरण हम लोगों का बैंक जो है सो 1969 में हुई थी, जिससे कि गरीबों को सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाता था इन्हीं सरकारी बैंकों के द्वारा। जो सरकार जो है उसको जबरदस्ती चाह रही है कि प्राइवेट कर दिया जाए, ताकि सरकार का जो भी सुविधा हम बैंक के थ्रू देते थे वो सब बंद हो जाएगा। महिलाओं का जो सशक्तिकरण चल रहा था बैंकों में भर्ती को लेके, वो सारा भर्ती बंद हो जाएगा। और रिजर्वेशन का जो सरकार के तरफ से प्रोग्राम था वो सारा पोस्टपोन हो जाएगा। अब भविष्य में जो है सो प्राइवेट हो जाने के बाद वो आरक्षण का भी सुविधा बंद कर दिया जाएगा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में दो दिवसीय धरना में 15 और 16 मार्च को हम लोग हैं। सरकार से हमारी मांग है कि बैंकों का निजीकरण करना बंद करे और पब्लिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करे, ताकि जो गरीब आदमी है जो बैंक तक पहुंच पाए हैं उनको बैंक से, बैंक के योजनाओं और बैंक से संबंधित चीजों के बारे में जैसे पहले सेवा मिलती थी उस तरह से मिलती रहे। आज सभी बैंकर्स हम यहाँ पर निजीकरण के विरोध के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा हड़ताल जो है वो दो दिन का है, 15 और 16। इसके लिए आमजनों को जो भी परेशानी है उसके लिए हम सब खेदित हैं, लेकिन निजीकरण का विरोध करना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए आप सब भी हमारा सहयोग करें। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धाक रखने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्जोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाएं। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6202893511, दूसरा नंबर 06553296016। न्यूजलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है